हेलो uh, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है और विद प्रूफ आपको जो है दिखाया जाएगा कि कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट पर वैसा होता है जिसके लिए कैलकुलेट किया जाता है तो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट इज द लेवल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स एट विच टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट आर सेम अंडर टू डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट स्ट्रक्चर तो क्या है कि कॉस्ट इंड इन डिफरेंस पॉइंट जो है वो एक ऐसा लेवल ऑफ वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सेल्स या आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है ऐसा जिस पर जो है टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट जो है वो सेम होती है टोटल कॉस्ट एंड प्रोफिट्स जो है वो सेम होते हैं अंडर टू डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट स्ट्रक्चर की हमारे पास अगर दो अलग अलग अल्टरनेटिव हैं प्रोडक्शन के भी और कॉस्ट स्ट्रक्चर के भी तो उन दोनों अल्टरनेटिवस पे अगर हमें चाहिए कि सेम टोटल कॉस्ट हो और सेम ही प्रॉफिट हो तो उसके लिए जो एक लेवल ऑफ

एट द पॉइंट ऑफ इन डिफरेंस टोटल कॉस्ट फिक्स वेरिएबल ऑफ द टू अल्टरनेटिव आर इक्वल क्या कह रहे हैं कि हमने वही कहा ना कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट इक्वल होगी तो टोटल कॉस्ट का मतलब है फिक्स प्लस वेरिएबल फिक्सड प्लस वेरिएबल दोनों कॉस्ट को मिला के जो कॉस्ट आएगी वो जो है दोनों अल्टरनेटिव में बराबर होंगी जब हम जो है वो पॉइंट ऑफ कॉस्ट इन डिफरेंस के लिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो दोनों अल्टरनेटिव्स में वो कॉस्ट बराबर आएगी एट दैट पॉइंट ऑफ कॉस्ट इंडिफरेंस की कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट पर टोटल कॉस्ट ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स आर इक्वल दोनों अल्टरनेटिव्स के लिए फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बराबर रहती है हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट कॉस्ट इंडिफरेंस डिफरेंस पॉइंट इज नो नॉट द सेम एज ब्रेक इवन पॉइंट कि ये आप ध्यान रखें कि ये जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट की तरह नहीं है ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है कि हमारे पास एक ही कंपनी के बारे में है एक ही अल्टरनेटिव है और उसी अल्टरनेटिव पे हम देख रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट नो no लॉस की सिचुएशन है या फिर हम कहें कि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल सेल्स के बराबर है बट यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स बराबर है या नो प्रॉफिट नो लॉस है हम कह रहे हैं कि यहां पे प्रॉफिट भी हो सकता है प्रॉफिट है कंपनी को और टोटल कॉस्ट जो है वो दो डिफरेंट अल्टरनेटिव में सेम आएगी क्या होगा कि टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट जो है वो दो डिफरेंट अल्टरनेटिव में सेम रहेगा उस लेवल ऑफ आउटपुट पर उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर उस लेवल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स पर तो और इसके लिए फॉर्मूला क्या है डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है डिफरेंस इन डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट की जो टोटल जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उन दोनों अल्टरनेटिव्स की फिक्स कॉस्ट के डिफरेंस को आपने डिवाइड करना है डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट

ही अल्टरनेटिव पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट जो है वो सेम हो जाएगा और टोटल कॉस्ट जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगी उसको हम कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट भी बोल देते हैं ठीक है तो उसका जो टेक्निकल नाम है वो cost point है वो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट और अगर उसको जो है वो डिटेल में कहा जाता है तो ऐसा लेवल ऑफ आउट सेल्स है जिस पर जो है वो दोनों अल्टरनेटिव जो है वो सेम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो यहां पर इंफॉर्मेशन दी हुई है अल्टरनेटिव अल्टरनेटिवन के बारे में और अल्टरनेटिव टू के बारे में ठीक है अल्टरनेटिव एंड अल्टरनेटिव टू तो इसमें क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है फिक्सड कॉस्ट के बारे में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट दो दोनों अल्टरनेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन है उसके फिक्स कॉस्ट के बारे में भी है उनके वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट के बारे में है तो सबसे पहले हम इसका कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट जो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया उसको कैलकुलेट करते हैं उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन करते हैं तो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट में क्या कह रहा है कि उसका जो फॉर्मुला है दैट इज इक्वल टू डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो अभी मैंने आपको बताया था कि फिक्स कॉस्ट के डिफरेंस को आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के डिफरेंस से डिवाइड करना है फिक्स कॉस्ट तो आपकी जो है वो अमाउंट uh, अमाउंट uh, की फॉर्म में आएगी टोटल फॉर्म में आएगी बट वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, दैट इज पर यूनिट कि वो आपका पर यूनिट के बेस पर होना चाहिए तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी हमें इसी तरह की दी हुई है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो अमाउंट की फॉर्म में दी हुई है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट की फॉर्म में दी हुई है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट बेसिस पर दी हुई है तो हम उसको वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पर ले लेंगे तो डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में जो डिफरेंस है टू लैख फोर्टी थाउजेंड माइनस वन लै तो टू लैख फोर्टी थाउजेंड माइनस वन लैख जो आपका फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है एंड डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल uh, कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस है एट्टी माइनस सिक्सटी एक की सिक्सटी है दूसरे की एट्टी है तो 80 माइनस सिक्सटी तो डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट आपने जो है वो डिफरेंस ले लिया वन लाख फोर्टी थाउजेंड और इसका जो है वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है दैट इज रुपीज ट्वेंटी और वन लाख फोर्टी थाउजेंड को अगर आप ट्वेंटी से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू सेवन थाउजेंड यूनिट्स तो तो वो कि कॉस्ट पॉइंट अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेवन थाउजेंड यूनिट प्रोड्यूस करती है तो उस केस में चाहे वो अल्टरनेटिव वन चूज करे चाहे वो अल्टरनेटिव टू uh, को चूज करे दोनों ही अल्टरनेटिव में कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट जो है वो कंपनी की सेम रहेगी तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ तक आपको कैलकुलेट करने के लिए तो आपको यहीं तक कहा गया था क्वेश्चन में कि आपने जो है वो सेवन थाउजेंड यूनिट्स तक कैलकुलेट करना है कॉस्ट इन डिफेंस पॉइंट निकालना है वो हमने निकाल दिया बट हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि एक्चुअल में सेवन थाउजेंड यूनिट्स पर दोनों अल्टरनेटिव में टोटल कॉस्ट सेम आ रही है या नहीं आ रही है तो उसके लिए हमने क्या किया कि अल्टरनेटिव वन के लिए जो है टोटल कॉस्ट कितनी होगी कितनी यूनिट्स बना रहे हम सेवन थाउजेंड यूनिट्स बना रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी अल्टरनेटिव वन में सिक्सटी रुपीज है तो सेवन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस टू लैख फोर्टी थाउजेंड यानी कि सेवन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटी और यहां पर हमने जो है उसको प्लस उसमें फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट अब आपके पास टोटल तो यूनिट्स की 60 रुपीस के से, और, तो ही रहेगी, आप उसमें 7000 बनाओ चाहे 10000 बनाओ 8000 बनाओ तो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टू लैख फोर्टी थाउजेंड वो टू लाख फोर्टी थाउजेंड ही रहेगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंगली चेंज के अकॉर्डिंग रहती है तो पर यूनिट के हिसाब से हमने सेवन यूनिट्स के लिए कैलकुलेट कर ली तो वो आगे फोर थाउजेंड प्लस टू

प्लस कॉस्ट जो है वो वन लाख रुपीज एंड सेवन सेवेंटी सेवन थाउजेंड को अगर आप एट्टी से मल्टीप्लाई करेंगे विल बी इक्वल इक्वल प्लस और अल्टरनेटिव टू की जो टोटल कॉस्ट आई है और यहां पर जो है ये आपका आ गया है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट जिसपे आपको मैंने वेरीफाई करके बता दिया कि टोटल कॉस्ट जो है वो दोनों अल्टरनेटिव में सेम रहती है अब आपने जो है इसमें चेक कर लेना अपने आप से कि इसका वेरीफाई करने के लिए कॉस्ट तो मैंने वेरीफाई कर दी बट दोनों अल्टरनेटिव पे सेम प्रॉफिट आ रहा या नहीं आ रहा है या आपने जो है वो उसको चेक करना है और कमेंट सेक्शन में जो है इसके बारे में लिख देना है कि आपका जो है वो वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ कि दोनों अल्टरनेटिव में सेवन थाउजेंड यूनिट अगर प्रोड्यूस की जाती है तो टोटल प्रॉफिट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है कॉस्ट मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दी कि टोटल कॉस्ट जो है वो दोनों अल्टरनेटिव पर सेम आ रही है बट क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही बोला गया है निकालने के लिए कि आपने क्या करना है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मुला लिखेंगे और फॉर्मुला लिख के आप कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं ओके थैंक यू